हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट को 7 दिन तक टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद कितना रिजल्ट आया, कितना सेल आया और कितना मैंने एड स्पेंड किया, वो सारा चीज़ें बताऊंगा और कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इंटरेस्टिंग होगा वीडियो और आखिरी में ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट भी आपको बता दूंगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं आगे सेल भी नहीं कर रहा हूँ। तो क्या ये प्रोडक्ट है वो भी आपको पता चल जाएगा और फेसबुक एड्स के थ्रू मैं ये करूँगा, तो फेसबुक एड्स में कैसा परफॉर्मेंस मिलता है हमें, जो अप्स एंड डाउन्स होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो हर टाइम पे ऐसा सिनारियो नहीं बनता जो मेरे केस में हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ही बहुत अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग रिजल्ट आया है। तो हो सकता है अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों के साथ भी अलग अलग रिजल्ट आए। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस प्रोडक्ट को आप लोग सेल करें, क्योंकि ये बहुत ही सैचुरेटेड प्रोडक्ट है। मैं असल में इस प्रोडक्ट को टेस्ट क्यों किया, क्योंकि पहले इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सेल कर चुका हूँ और ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये प्लस बेस करके। तो ये शॉपिफाई नहीं है, ना ही ये ई कॉमर्स है, ये प्लस बेस है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसको मुझे टेस्ट करना था। और इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत बात कर लूँगा आखिरी में, जो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रहा है वो सब। तो अभी क्या है ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या होता है, हम लोग अली एक्सप्रेस या फिर इनका खुद का कैटलॉग होता है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो देख सकते हो इनका कैटलॉग वाला भी ऑप्शन है और इसके अंदर आप अली एक्सप्रेस से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये इनका कैटलॉग है। तो इसमें क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म में इन प्रोडक्ट्स को हम लोग डायरेक्टली हमारे वेबसाइट में डाल के सेल कर सकते हैं और जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फुलफिल कर देंगे और जो प्रॉफिट है वो हमें सेंड कर देंगे। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ये है कि इनके पास अलग अलग पेमेंट्स गेटवेज है, तो हमें खुद से पेमेंट गेटवे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ एनालिटिक्स में। तो ये तो अभी टुडे लगा के रखा है यहाँ पे, मैं इसको लेके चलता हूँ। चलिए इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक एड में पहले दिन जब हमने टेस्ट किया था उसमें क्या रिजल्ट आया था। तो अभी ये देखिए, अभी सबसे पहला दिन है, ये था, मैं आपको डेट बता देता हूँ, यहाँ पे डेट लिखा नहीं है। तो ये था 20 अक्टूबर, आज है 27 अक्टूबर। तो मैंने इसको टेस्ट किया है 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। तो ये जो 7 दिन है, इस 7 दिन का आपको एनालिटिक्स दिखाऊंगा यहाँ पे और नीचे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितना एड स्पेंड हो रहा है वो भी दिखेगा। और आखिरी में वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। तो अभी ये है 20 अक्टूबर की बात। तो अभी एक ही कैंपेन यहाँ पे रनिंग है और ये कैंपेन है CBO कैंपेन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अमाउंट स्पेंड टोटल हुआ था $25.30, क्योंकि बजट यहाँ पे $25 का ही था। तो अभी देखते हैं कितना है। देखिए CPM यहाँ पे $17 का है जो सही है। क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा आया है जो है 5.85%। और जो टोटल क्लिक्स आए, यूनिक लिंक क्लिक्स, वो देखिए 64 और कॉस्ट पर लिंक क्लिक्स है 0.40, जो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा है। तो अभी यहाँ पे देखिए एड टू कार्ट्स आया हमें 9, चेकआउट है 10 और परचेस आ गया 4। तो इसी का स्क्रीनशॉट मैंने डाला था जब पहला सेल आया था, इसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला था मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें। तो यही वो प्रोडक्ट था। देखिए परचेस कॉस्ट पर परचेस भी 6.33 था और टोटल जो परचेस कन्वर्जन वैल्यू है वो है हमारा $156.30। असल में ये करेक्ट है क्योंकि ये पिक्सल सही से मतलब ट्रैक भी कर रहा है सारा डेटा। तो अभी देखिए ये तो बहुत ही हम लोग प्रॉफिटेबल में थे उस दिन, $25 स्पेंड करके हमें सेल आ गया यहाँ पे 4। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं 20 अक्टूबर को हुआ क्या था, देखते यहाँ पे कितना निकल के आता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल उस दिन जो प्रॉफिट हुआ था, ये जो पैनल है इसमें अब हमें रेवेन्यू नहीं दिखता, तो रेवेन्यू के लिए आपको मैं फेसबुक ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस प्रॉफिट दिखता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल $92 का प्रॉफिट था और ये जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही अच्छा था वेबसाइट का। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखिए 67 लोग आए, एड टू कार्ट्स कितने हुए, चेकआउट कितने हुए और सेशन कन्वर्टेड 4 हुए। तो यहाँ पे जो मुझे देखिए पर ऑर्डर का जो प्रॉफिट मिला वो है $23 का नियर अबाउट, क्योंकि किसी ने अपसेल भी लिया था जिस कारण से यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हुआ है हमें। तो ये था। तो अब लेके चलता हूँ आपको मैं सेकेंड डे क्या हुआ है। तो अभी धीरे धीरे आपको जो स्ट्रगल है वो दिखने में मतलब पता चलेगा आपको। तो अभी लेके चलता हूँ आपको 21 अक्टूबर।
तो 21 अक्टूबर भी एक ही हमारा कैंपेन रनिंग था, 23.96 डॉलर स्पेंड हुआ, सीपीएम सही दे रहा था, क्लिक थ्रू रेट सही था, यूनिक क्लिक्स थोड़ा कम आया लेकिन तब भी सही था 45, एड टू कार्ड्स भी हमारे आ गए 4, चेकआउट आ गए 3, लेकिन कोई भी परचेस नहीं आया था उस दिन। तो पूरा जो हमारा लॉस हुआ वो हुआ 23.96 डॉलर, और वेबसाइट में भी कुछ नहीं आया, दिखाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग लेके चलते आपको 22 अक्टूबर मतलब तीसरा दिन, डे 3, उस दिन भी हमने सेम उसी कैंपेन को रन करने दिया। 25.72 डॉलर स्पेंड हुआ टोटल, सीपीएम कम हुआ, यूनिक क्लिक्स भी थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन टोटल जो क्लिक्स है वो हमें थोड़ा अच्छा मिला, 52 क्लिक्स मिले। लेकिन अगर बात करें परचेस की तो हमें कोई भी परचेस उस दिन नहीं आया, और आप देख सकते हो यहाँ पे एड टू कार्ट 1 है और चेकआउट 1 है बस। लेकिन उस दिन हमने और एक कैंपेन नीचे रन कर दिया था, ये नीचे आप देख सकते हो, ये एक एबीओ कैंपेन है जिसमें मैंने करीब 6 डॉलर का मैंने बजट रखा था 3 हेडसेट में, बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का ये टेस्टिंग है, बहुत ही कम बजट में मैं कर रहा था ये। और इसमें देखिए, इसमें सीपीएम आ गया 15 समथिंग, कम आया, क्लिक थ्रू रेट सही था, क्लिक थ्रू रेट मतलब थोड़ा कमी था पिछले वाले से, और क्लिक्स के बाद टोटल जो सी पी सी आप देख सकते हो कितना आया। लेकिन इस केस में देखिए हमें एक परचेस मिल गया उस दिन, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग 22 अक्टूबर की, और टोटल जो परचेस कन्वर्जन वैल्यू है वो है 29.99 डॉलर, जो सही है। तो हम लोग लेके चलते हैं डैशबोर्ड में और देखते हैं 22 को क्या हुआ था। यहाँ पे 22 सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो एक प्रॉफिट यहाँ पे है जैसे हम लोग बात कर रहे थे, और उसमें टोटल प्रॉफिट था 18.15, मतलब 29.99 में प्रॉफिट था 18.15। तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डे 23 अक्टूबर को, तो देखिए अभी 2 दिन हो चुका है, ऊपर वाले कैंपेन से मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, और नीचे वाला कैंपेन शुरू हुआ है, बस उसमें पहले दिन सेल आया है। अभी हम लोग जाते हैं 23 को, देखते क्या हुआ है। तो 23 को क्या हुआ, मैंने और एक कैंपेन लॉन्च किया, तो ये जो बीच वाला कैंपेन आप देख रहे हो ये मैंने अलग से लॉन्च किया। ये लॉन्च क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि ज़्यादातर सेल मेरा यूएसए से आ रहा है, और इन दोनों कैंपेन में ऊपर वाला और नीचे वाले में मैंने टारगेट करके रखा है 4-5 कंट्रीज़, इसीलिए सिर्फ डेडिकेटेड यूएसए के लिए मैं बीच वाला कैंपेन लॉन्च किया। और बीच वाले कैंपेन का जो सीपीएम है वो देख सकते हो आप, इसीलिए हाई है क्योंकि सिर्फ यूएसए को टारगेट कर रहा था। तो टोटल जो इस दिन स्पेंड हुआ, और टोटल स्पेंड हुआ हमें 62.83 डॉलर इस दिन स्पेंड हुआ 23 अक्टूबर को। और देखते हमें टोटल लिंक क्लिक्स कितना है, टोटल लिंक क्लिक्स यहाँ पे 75 आए, ये तो यूनिक लिंक क्लिक्स, हाँ ठीक है। और कॉस्ट पर लिंक क्लिक से 0.84 डॉलर, क्योंकि बीच वाले में थोड़ा ज़्यादा ही आया है। तो अभी देखते क्या हुआ, एड टू कार्ट्स आए, चेकआउट भी आया, और अगर परचेस देखें तो परचेस बस एक आया हमें, तो एक ही परचेस मिला वो भी नीचे वाला कैंपेन से। तो ये जो न्यू कैंपेन क्रिएट किया उससे कोई भी परचेस नहीं आया, और जो ऊपर वाला है जो मैं सबसे पहले दिन 4 परचेस आ गया था, जिसमें 3 दिन हो गया इसमें कोई भी परचेस नहीं आया। तो ऐसा चलता है फेसबुक में, मतलब कुछ भी ये नहीं रहता, स्मूथली नहीं चलता कि आपको रेगुलर परचेस देता रहे, इनिशियल केस में तो ऐसा होता नहीं है। तो टोटल परचेस कन्वर्जन वैल्यू 33 डॉलर दिखा रहा है, यहाँ पे शायद किसी ने टिप वगैरह कुछ दिया था इस कारण से ऐसा था। तो 23 को देखते हैं हम लोग कितना प्रॉफिट वगैरह निकाला है हमने, तो ये हमारा 23 अक्टूबर, तो 21.03 डॉलर का टोटल प्रॉफिट था उस दिन। तो अभी हम लोग जाते हैं, और देखिए वेबसाइट कन्वर्जन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है क्योंकि सेल वगैरह नहीं आ रहे थे जिस कारण से। तो अभी हम लोग जाते हैं 24 को, और 24 को देखते हैं क्या हुआ है। तो 24 को भी तीनों रनिंग थे, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला, तीनों रनिंग थे। टोटल जो स्पेंड हुआ हमें तीनों मिला के वो हुआ 62.63 डॉलर, और देखिए सीपीएम थोड़ा नीचे आया है सभी में। और अगर बात करें यूनिक क्लिक्स की, 93 क्लिक्स है टोटल, और अगर एड टू कार्ड्स, चेकआउट और परचेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 परचेस दिखा रहा है। तो असल में ये 2 परचेस नहीं है, उस दिन 3 परचेस आए थे, एक आया था उससे आपका जो जो एबंडेंट कार्ड वाला जो मेल होता है ना, जो ऑटोमेटिक सेंड होता है, उससे आया था एक परचेस जो यहाँ पे ट्रैक नहीं हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा पोर्टल में जाके। तो टोटल इस दिन अगर सेल की बात करें तो एक आया है सेल 33.07 डॉलर का, दूसरा है 29.99 डॉलर का, और तीसरा भी है 29.99 डॉलर का। तो 3 सेल आए उस दिन। तो ये था 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर को हम लोग देखते क्या हुआ है। तो ये 24 अक्टूबर का मैंने डाल दिया, देखिए यहाँ पे तीन सेल है, ये दिख रहा है तीनों सेल आपको, $61.53 का तीन सेल यहाँ पे हमें मिला है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे 25 को, अभी दो ही दिन बचा है हमारे पास, 25 और 26। तो 25 को देखते हैं क्या हुआ है। तो 25 को देखिए हमारे पास ये तीनों को फिर से मैंने रनिंग करके रखा है, ऊपर नीचे और तीनों, मतलब जितने भी कैंपेन है, और फिर से CPM थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे 25 अक्टूबर को क्या हुआ है, टोटल जो स्पेंडिंग है वो है $60.15। और अगर बात करें CPC की, CPC यहाँ पे 0.86 है, और अगर परचेस की बात करें तो यही है, ऊपर जो CBO वाला है उससे दो परचेस आया है और नीचे दोनों में से कोई भी परचेस नहीं आया, और टोटल जो परचेस कन्वर्जन वैल्यू है वो है $59.98 दो परचेस के बाद। और हम लोग देखते हैं एक बार प्लेटफॉर्म में जाके कि हमें कोई परचेस आया है या नहीं अलग से। तो ये मैंने चूज़ कर दिया 25, तो 25 में हमें टोटल 39.04 का प्रॉफिट है, मतलब हमारे पास दो ही परचेस आया है, तो बाकी दोनों से कोई भी परचेस नहीं आया, और इनका रिजल्ट भी उतना बढ़िया था नहीं, जैसे कि देख सकते हो आप। 20 से अगर हम लोग 25 का देखें तो ये जो नीचे के दोनों वाले हैं, देखिए एक में से एक ही परचेस आया और नीचे वाले में दो परचेस आया, और जो प्रॉफिटेबल थे नहीं ऊपर वाला, तब भी कॉस्ट पर परचेस मेरा प्रॉफिट के नियर अबाउट था, इसीलिए मैंने नीचे दोनों वालों को क्लोज कर दिया, मतलब कैंपेन को बंद कर दिया मैंने, और ऊपर वाले को रनिंग रखा। तो 26 को अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ही रनिंग रहेगा, जो CVO पहला हम लोगों ने टेस्ट किया था, ये देखिए ऊपर वाला रनिंग है, नीचे के दोनों वाले मैंने क्लोज कर दिया। तो इसमें पूरा स्पेंडिंग पता नहीं क्यों नहीं हुआ, $21.79 ही स्पेंड हुआ बस। ये बात कर रहे हैं हम 26 अक्टूबर का, और यहाँ पे टोटल अगर देखें, देखिए 0.75 का CPC है, और एड टू कार्ड्स और चेकआउट दोनों आए हैं, लेकिन कोई भी परचेस नहीं आया। तो यही था पूरा रिजल्ट। अगर हम लोग एक बार वेबसाइट में भी देखें तो यहाँ पे टुडे ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि 26 यहाँ पे आज ही है, क्योंकि ये ईस्टर्न टाइम फ्रेम में ये चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट क्लिक्स आए, एड टू कार्ड आया, चेकआउट आया, लेकिन कोई भी सेल वगैरह नहीं आया। तो अभी टोटल एक बार रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो फेसबुक में पहले देखते हैं 7 दिन का रिजल्ट क्या रहा, 20 से 26 तक। तो तीन कैंपेन हम लोगों ने रनिंग किया था, और टोटल जो एड स्पेंड है वो है हमारा 299.66, मतलब करीब $300 का एड स्पेंड है टोटल। और जो टोटल हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया वो यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक में 342.40, और उसके साथ में एक $29.99 का भी एक रहेगा जो हमें एबंडन कार्ड से मिला था, जो फेसबुक ने यहाँ पे ट्रैक नहीं किया। तो टोटल हमारा जितना भी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा उतना ही हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ, करीब 372 समथिंग। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखा रहा है परचेस कितना है, 10 दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो वेबसाइट है उसमें टोटल परचेस 11 दिखा रहा है, क्योंकि एक हमें एबंडन कार्ड से आया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, 20 से अगर 26 की बात करें तो जितना भी सेल हुआ हमारा $372, उसमें से टोटल जो प्रॉफिट है वो है $231.81। तो असल में ये पूरा प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि हमने $299 तो स्पेंड किया एड्स में, तो टोटल हम लोग यहाँ पे टोटल लॉस में है करीब $70 का। तो टोटल हमारा जो लॉस है वो $70 का नियर अबाउट है। जो भी कैलकुलेशन है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कितना, मतलब प्रॉफिट लॉस कितना है। तो अभी हम लोग एक बार आपको बता देता हूँ इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, ये प्लेटफॉर्म तो बहुत बढ़िया है कि इसमें सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन एक जो दिक्कत है वो मैं जो फेस कर रहा हूँ वो है इसमें। जैसे ही मैं ऑर्डर के अंदर जाता हूँ, ऑर्डर सेक्शन में देखिए यहाँ पे जो सारे ऑर्डर है वो सारा दिखा रहा है, यहाँ पे सारे पेड दिखा रहा है, और जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जो पहला ऑर्डर मिला था हमें वो था 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर से देखें तो आज तो 7 डेज हो चुका है, तो 7 डेज हो चुका है, लेकिन तब भी ये प्रोसेसिंग में है, ये फुलफ़िल नहीं हुआ है, जो एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना लेट अगर सामान फुलफ़िल होगा तो जो लोगों के पास पहुँचेगा वो मतलब चार्ज बैक वगैरह करेंगे तो, या फिर रिफ़ंड के लिए मांगेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसीलिए अभी मैं प्रोडक्ट को
सेल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पहले कि ये लोग फुलफ़िल करने में टाइम कितना लेते हैं। शायद ये हो सकता है कि ये पहली बार इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ इनके प्लेटफॉर्म में, जिस कारण से ऐसा मुझे दिक्कत हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं कोई मतलब एक बार प्रोडक्ट फुलफ़िल होना शुरू हो जाए उसके बाद अगर मैं सेल करूँगा, हो सकता है ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस कम्प्लीट हो जाए। तो ये चीज़ है जो मैं मतलब देख रहा हूँ कि क्या होगा इसका। तो बाकी बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, ऐसे ही रिजल्ट आपको मतलब देखने के लिए कि होता क्या है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग वगैरह में, तो बने रहना इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।